कुछ तो था यहाँ पे, हिलाना जो भी हो सामने आ जाए। अगर यहाँ से नीचे गिरा तो गया। देखिए गाइस, ईमानदारी देखिए आप, यहाँ पे पेड़ पे टंगा हुआ छाता मिला है, पता नहीं किसका है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं अरावली पार्क, और हमारे तीन मित्र और आ रहे हैं, मतलब दो मित्र मुझे लेके तीन मित्र हुए। तो चलो दिखाते हैं आपको। देखो ये देखो ये देखो, आ गए। हेलमेट कहाँ है? गड्डी साइड में लगा। गाइस इस इंसान को देखिए, इस इंसान को, इसकी मैं एक खास बात बताता हूँ, अभी उसके फ़ोन में डेटा नहीं है, ठीक है। इस कमीने ने 2 MB डेटा था इसके फ़ोन में, और इसने वाईफाई से कनेक्ट किया, उसके बाद उसमें पासवर्ड भी लगा रखा। लो लग गई भाई साहब, 100 का तेल डाला, 500 का तेल पड़ गया। आधा लीटर का है, 500 ml। ठीक है भाई, तुम निकालो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, तेल ज़्यादा पड़ गया, अब तेल निकालना पड़ रहा है भैया। कुछ तो है, ये पूरी पार्किंग है। कैसा लग रहा है आपको गाड़ी का तेल निकलवा के? काफ़ी सन्नाटा यार इस पार्क में, पता नहीं, देखते हैं क्या क्या दिखता है अभी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव, वेलकम टू अरावली पार्क इन गुड़गांव। अब देखते हैं ये पार्क कैसा है, और एक्सप्लोर करते हैं आज इस पार्क को। तो ये मेरा तीसरा व्लॉग है जो शूट हो रहा है, और अभी तक मैंने एक ही व्लॉग अपलोड किया है। तो इस व्लॉग पर ढेर सारा प्यार देना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। तुम बताओ जीसान, इसको इस पार्क के बारे में। इस पार्क क्या रहे? हाँ, ये पार्क बढ़िया पार्क है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पापा के साथ आया करते थे सुबह सुबह, छांटने के बाद, जब पापा छांट देते थे उसके बाद, जब स्कूल जाता था ये, और जब इसको पापा छांटते थे फिर उसको लेके आते थे इस पार्क में। भाई साहब लेकिन नज़ारा एक नंबर का, यहाँ से सनराइज पॉइंट, वाह, कुल्लू पहाड़ी, और ये सनराइज पॉइंट है, मतलब कि सूरज इधर को, इधर से मतलब सॉरी इधर से उगता है सूरज, तो यहाँ पे एक नंबर का नजारा था भाई साहब। सनराइज पॉइंट है। इस पार्क में मुझे कुछ बहुत ही यूनिक सी चीज़ें दिखी, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो डस्टबिन जो है, इन्होंने लकड़ी का बना रखा है, वुडन क्राफ्ट। भाई साहब क्या ही डिज़ाइन है। वैसे हर पार्क में कुछ ना कुछ यूनिक सी चीज़ें होती हैं। क्या हुआ, सांप दिख गया क्या? जिंदा सांप, तुझे क्या मिलेगा भाई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निशानियाँ छोड़ के जाते हैं। ये तो मैं, ये देखो ये डस्टबिन देख रहा हूँ, इस डस्टबिन के अंदर भी कुछ है खाने वाले का, कुछ ना, निकाल ले खा ले। मस्त पार्क है वैसे। वैसे यहाँ पे पता है एकदम शाम के टाइम 5 बजे के बाद यहाँ का नज़ारा एक नंबर का होता होगा, मतलब काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, वैसे तो गर्मी बहुत है। ये देखो यहाँ पे छोटी सी कुंड भी है, क्या है इसमें देख रहो, कमल के फूल भी खिल रहे हैं, मतलब खिले नहीं है। झाड़ियों के बीच में बहुत सी यूनिक सी चीज़ें हैं, ओए झाड़ियों के बीच बहुत सी यूनिक सी चीज़ें हैं, लेकिन हर झाड़ी सेफ नहीं है, हो सकता है कुछ और भी दिख जाए। क्या है? गुंडी तिहारा, ये गुंडी तिहारा है, पता नहीं क्या है गुंडी तिहारा, वो क्या बोलते हैं। फिलहाल काफ़ी यूनिक यूनिक से पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, कोई सफ़ेदा अभी मुझे नहीं दिखा है, नॉर्मल सब छोटे छोटे ही पेड़ दिख रहे हैं, अमरूद जैसा पेड़, आम जैसा पेड़ नहीं दिख रहा है। ये देखो इस पेड़ का भी नाम नहीं पता, ये कौन सा पेड़ है, लेकिन पार्क का मैप तो इन लोगों ने खराब कर दिया शायद। ये ऐसा ही है? हाँ। क्या बात कर रहा हूँ, अच्छा ये ऐसे ही है, ये रहा पार्क, और ये गुंडी तिहारा देखो पे है। इस जगह पे पापड़ा बबूल रख नर्सरी, काफी बड़ा है यार ये तो पार्क, बहुत ज्यादा। ये देखो इसमें लिखा हुआ है 150 meters। अभी हम लोग यहाँ पे हैं फिलहाल गुंडी तिहारा में, भाई देख रहे हो यहाँ से अरावली पार्क के पास ही देखो मेट्रो स्टेशन भी है। तो आप मेट्रो स्टेशन के पास कहाँ पे उतरेंगे? गुरुदोंडा 4 भाई, सब गायब कर दिए हैं, देख रहे हो कुछ ना यहाँ पे, कुछ नहीं है इसमें। तो पानी पीने के लिए टंकी थी, ये बाहर से वुडन की फिनिश दी गई है, और काफी मस्त बना रखा है। फिलहाल यहाँ पे कोई जंगली जानवर नहीं रहता है, जंगली जानवर नहीं, छोटे मोटे जानवर रहते हैं, जैसे लोमड़ी हो गई, गिलहरी हो गई, मतलब छोटे मोटे जानवर, ठीक है, खरगोश हो गया, सांप हो गया, ये सब रहते हैं, लेकिन फिलहाल दिखते नहीं है इतना, क्योंकि इतना ज़्यादा हमको लगता रहते नहीं है। अभी देख रहो पूरा जंगल ही जंगल है, दिखाने के लिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ पेड़ और ये दोनों जानवर, देख रहे हो कितना घना जंगल है भाई। यहाँ पे फिलहाल कोई भी आ सकता है, एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं है ना, कोई चार्ज फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट अरावली पार्क। पैसे दिखाए तूने? नहीं पैसे तो नहीं दिए थे हमने, मुझे लगा इसकी तानाशाही यहाँ भी चलती है। अभी इस इंसान ने कुछ नया बताया हमको, वो क्या, हीरे, क्या हीरे,
हाँ हीरे, ये देखो सोने की मिट्टी, सोने की मिट्टी, इसमें गोल्ड, इसमें हीरा पाया जाता है। कभी कभी आइए हमारे अरावली पार्क में और यहाँ से ले जाइए हीरा, सोना, चांदी सब कुछ। ये देखो चमक रहा है, कुछ तो था यहाँ पे। हिलाना, जो भी हो सामने आ जाए। यार अभी हम लोग 250 किलोमीटर, ढाई सौ मीटर चलने के बाद अभी हमारी जोर से लगी, हाँ भूख तो लगी है, लेकिन हम लोग पानी जरूर पी सकते हैं। तुम खिलाओगे तो खा जरूर लेंगे, गाली खाएगा तो खुद गिलेंगे। फिलहाल अभी भैया ने, एक भैया बैठे थे पीछे, उन्होंने बोला कि आगे एकदम चील्ड पानी है। उस चील्ड पानी को देखते कितना चील्ड पानी है, क्या वो पानी है? इस बात को हम वहाँ पे पता करेंगे। ओ भाई साहब, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल इन सब जानवरों को देखने के बाद जो सुकून मिलता है ना, मजा ही आ जाता है। लच्छी का पानी है, घड़ा वाला पानी मुझे चाहिए, ये वाला पानी नहीं पीना है। घड़े में पानी है अंकल जी? घड़ा में पानी है लेकिन कैसा भी हो सकता है कैसा भी नहीं हो सकता है, वो जो है सुरूज नहीं भराता है। हाँ हाँ वही चीज। फिलहाल ये देखो एकदम चिल्ड पानी है, देखो एकदम ठंडा पानी, लोटा भी है। तो आप यहाँ पे आइए, फैमिली के साथ आइए, किसी के भी साथ आइए, पूरी सिक्योरिटी आपको मिलेगी। अरे नहीं, ये बहुत बड़े प्यासे इंसान है, तो खून पीते हैं, प्यासे इंसान है, ये खून के प्यासे, पानी के प्यासे पता नहीं चलता है। ये देख घड़े की पानी, भाई साहब गांव की याद आ गई, इतनी शुद्ध पानी है घड़े की पानी, साफ पानी पी लो भाई, घड़े की पानी पियो, नहीं नहीं अच्छा पानी है, पी लिए, असली मजा ऐसे करके पीने में, हाथ लगा के। ये देखो फिलहाल इस इंसान के लिए भी पानी दिख गया है, देखो जा जा के पी ले, प्यास बुझ जाएगी तुम्हारी। फिलहाल ये जो छोटे छोटे घड़े है ना गाइस, ये जो छोटे छोटे घड़े है ना, ये जानवरों को पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने घने जंगल में कहीं भी जानवर के लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से छोटे छोटे घड़े रखवाए गए हैं जिससे कि जानवर पानी पी सके। गिलहरी हो गई, गिदगिड़ हो गया, ये हो गया, और भी बहुत सी चीजें हो गई, और एक हमारा कैमरामैन भी है, ये देखो उसका भाई बोल रहा है, कहाँ जा रहा है? ओ भाई चोट लग गई इन्हें, करो यहाँ पे मड़ी मिलेगी आपको, कंटा मड़ी यहाँ पे आपको मड़ी मिल सकती है इस जगह पे। ये देखो फिलहाल इसमें छेद है, इसका मतलब पक्का इसमें कुछ गड़बड़ है। ये देखो क्या पता नागमढ़ी रखी हो। फिलहाल ये जानवरों को पानी पीने के लिए ऐसा हर जगह पूरे पूरे पार्क में दिया गया ऐसा ऑप्शन। भाई साहब क्या ही नज़ारा है यार, एक्चुअली ये सनराइज पॉइंट है, ये देखो यहाँ से सूरज उगता है और यहाँ से आप मस्त सी फोटो खिंचा सकते हैं। और ये जितना सुंदर ये आंखों से दिख रहा ना, उतना सुंदर कैमरे से नहीं दिख सकता, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं साहब। और इधर सामने देख रहे हो ये पूरी सोसाइटी बसी पड़ी है। फिलहाल ये पूरा वुडन है, पूरा वुडन, बारिश में तो और एक नंबर का नज़ारा आता होगा यहाँ से गाइस। भाई साहब क्या ही व्यू आ रहा है, अरे भाई साहब देख लो बच गया खेलते हुए, यहाँ को बैठता हुआ उछालता हुआ, अरे घंटा ये उछालने के चक्कर की तुम बात कर रहे हो, अगर किसी का मान लो ऐसे पैर पड़ा तो कहीं नहीं जाएगा, अरे टूट जाएगा उसका। अगर ऐसी जगह मिल जाए हमको कहीं आसपास जहाँ पे हम फोटो शूट करवा सके तो भाई क्या ही कहने। गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं इस जगह से, और फिलहाल काफी मस्त प्लेस था। भाई साहब मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पे फैमिली भी आती है, देखिए गाइस ईमानदारी देखिए आप, यहाँ पे पेड़ पे टंगा हुआ छाता मिला है, पता नहीं किसका है, तो ईमानदारी आप देखिए। फिलहाल हम लोग छाता रखने जा रहे हैं इसने उठा लिया तो पता नहीं किसका था, पक्का अंदर जंगल में कोई ना कोई गया होगा घूमने के लिए, कुछ भी करने गया हो तो इज्जत से छाता रख देंगे, चले जाओ चुपचाप तुमने उठा के भी कुछ गलत नहीं किया था, तुम ठीक किए थे। फिलहाल ईमानदारी देख रहे हैं हम लोगों की, जब वापस उठा ले जाते तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।